श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। इस विश्व में जितना काम हो रहा है वह बल के द्वारा हो रहा है, बल के बिना, शक्ति के बिना कोई भी काम नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि निर्वीर्य किं करिष्यति, जो निर्वीर्य है, बल रहित है, वह क्या करेगा। एक आदमी ने किसी से पूछ लिया कि तुम जंगल जा रहे हो जंगल की यात्रा के लिए और सामने शेर मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे। आदमी ने उत्तर दिया, फिर मैं क्या करूँगा, जो करना वही करेगा, बस मैं क्या करूँगा, वही करेगा। तो जहाँ मनोबल नहीं होता वहाँ शक्ति काम नहीं देती। हम एक निश्चय पर पहुँच जाएं तो बाहर का बल भी तभी काम देता है जब हमारा भीतर का बल अच्छा है। और भीतर के तीन प्रकार के बल हैं, शरीर बल, वाग बल और मनोबल। एक शरीर का बल, एक वाणी का बल, बड़ी शक्ति है वाणी भी, एक शब्द में सारे दृश्य को बदल देती है। और एक है मनोबल, मन का बल। अब मन का बल अधिक प्रखर है। जब तक मनोबल ठीक रहता है शरीर भी काम देता है। मनोबल कम होता है और कहता है मेरी तो सारी शक्ति चली गई, घुटने टिक गए, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। ये घुटने क्यों टिकते हैं, ये कमजोरी क्यों आती है, कि मनोबल ठीक नहीं है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि मनोबल का विकास होता रहे, वह कम न हो। शरीर का बल अवस्था के साथ कम होता है, पर वाणी का बल कम हो यह कोई जरूरी नहीं है और मनोबल कम हो यह भी कोई जरूरी नहीं है। बूढ़ापे में भी मनोबल बढ़ सकता है। जिनका मनोबल कम हो गया उनके लिए बूढ़ापा बड़ा दुखद होता है, सताने लग जाते हैं, मुझे कोई पूछता भी नहीं, मेरे पास कोई आता नहीं, मेरे कुछ ऐसा नहीं होता, बस ये नकारात्मक भाव आते रहते हैं और बूढ़ापा और दुख देने लग जाता है। और जिसका मनोबल होता है कोई परवाह नहीं करता, अकेला ही बहुत है, बस अकेला बहुत है। एको हम असहायो यम असहायो हम कृशोहम अपरिच्छदे स्वप्ने पेवम विधा चिंता मृगेन्द्रस्य न जायते। सिंह कभी नहीं सोचता मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। कृशोहम, शेर का शरीर पतला होता है, पीछे का भाग तो बहुत कृश होता है, और अपरिच्छदे मेरा कोई परिवार नहीं है। यह ऐसी चिंता एक सिंह को, जो अपने बल के लिए, पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होता है, सपने में भी ऐसी चिंता नहीं होती, चिंता का कभी सपना भी नहीं आता, कभी सोचता नहीं है। उसका कारण है शरीर का बल और साथ में मनोबल भी है, पराक्रम भी बहुत है, मनोबल भी बहुत होता है उसका। हम चिंतन करें, सुख से जीना है, चाहे बचपन हो, चाहे यौवन हो और चाहे बुढ़ापा हो, अगर सुख से जीना है, शांति से जीना है, तो मनोबल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें विचार करना होगा कि मनोबल कम क्यों होता है, इस पर भी ध्यान दें कि मनोबल कम होने के कारण क्या हैं। अगर कारण की खोज करें
अनेक कारण है, पर मैं जिस कारण को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ वह कारण है अपना मान लेना। अपना मान लेना बहुत सूक्ष्मता से इस पर हमें विचार करना होगा। अपना मान लेना, जो व्यक्ति घर को, परिवार को, पदार्थ को, धन को, जितना बाहर का है उसको अपना मान लिया, यही मन की कमजोरी शुरू हो गई। मन को दुर्बल बनाने का सबसे बड़ा तंत्र है ये अपना मान लेना। जो व्यक्ति ये मानता है एको हम एकत्व अनुप्रेक्षा, मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, और ये सारे संबंध एक बीच के संबंध है, बीच का रास्ता पड़ाव है, बीच का पड़ाव, जैसे गाड़ी जाती है रेलगाड़ी, स्टेशन पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वायुयान पर जाना है वहाँ भी सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रेन बसेरे में भी सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किंतु जैसे ही गाड़ी छूटी और सब अपने अपने चले जाएंगे, स्टेशन में उतरना अपने अपने चले जाएंगे, सुबह हुआ सब अपने अपने चले जाएंगे, अगर ये धारणा रहती है तो परिस्थिति आने पर भी हमारा मनोबल कम नहीं होता। और जब अपना मान लिया, घर में चोरी हो गई, धन चला गया, मनोबल टूट गया, या इनकम टैक्स के अधिकारी आए, रेत डाली और कुछ ले गए, बही खाते ले गए, मनोबल टूट गया, घर का कोई व्यक्ति चला गया और मनोबल टूट गया, मकान बनाया बहुत बढ़िया, भूकंप आया मकान ढह गया, साथ साथ में मनोबल भी ढह गया एकदम सारा। क्यों गया मनोबल, क्यों कमजोर बना? कि हमने पर को अपना मान लिया था, जो पराई वस्तु थी उसको अपना मान लिया, इतना मानते कि मेरे काम के लिए है, तब तो ठीक था। कभी काम के लिए है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तब तक तो ठीक था, पर अपना ही मान लिया, अभिन्न मान लिया, तो फिर दुख होना है, दुख हुआ और मनोबल कमजोर हो जाएगा। दुख के साथ मनोबल का बहुत संबंध है, जैसे जैसे आदमी को दुख का अनुभव होता है वैसे वैसे मनोबल कमजोर होता चला जाता है, उसके साथ बहुत गहरा संबंध है। दुख न आए तब तक तो ठीक है, दुख आया, हमने देखा बड़े बड़े लोग कहलाते थे, दुख की स्थितियाँ आई, दुख की घड़ियाँ आई और प्रतिकूल परिस्थिति आई, मनोबल भी काफूर हो गया। कारण क्या? हमारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या अवधारणा और यह मिथ्या रोंग कंसेप्ट, हमने गलत धारणा बना ली। सत्य को साथ नहीं चले हम मिथ्या के साथ चले। अगर सत्य के साथ चले तो फिर मनोबल कमजोर नहीं होगा। ठीक है, सच्चाई है, दुनिया का नियम है, जो नियम को जानता है उसका मनोबल कमजोर नहीं होता, दुनिया का नियम है सारा। हम सत्य को स्वीकार करें, किंतु आदमी बार बार सत्य को झुठलाने का प्रयत्न करता है और मनोबल कमजोर हो जाता है। एकत्व यह मनोबल का बड़ा साधन है। नमी राजर्षि विदेह, इतने बड़े राजा और तत्वज्ञानी, शरीर में दाह ज्वर पैदा हो गया, दाह ज्वर, ऐसी बुखार जो शरीर में जलन लग जाती है, जैसे आग की तरह जलन लगती है, भयंकर दाह ज्वर हुआ, चिकित्सक बुलाए गए,
उपचार सुझाया गया कि चंदन घिसकर उसका लेप किया जाए। महारानियां बैठी और चंदन को घिसना शुरू किया। चंदन घिसा जा रहा था। अब दागर ज्वर इतना प्रबल था कि वह चूड़ियों की आवाज भी उनके लिए असह्य हो रही थी, सह नहीं हो रहा था। महाराज ने कहा कि आवाज कहाँ से आ रही है, ये कोलाहल कहाँ से हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोलाहल भी सुनाई नहीं देता और कभी कभी मंद आवाज भी कोलाहल बन जाता है। अलग अलग मन की परिस्थितियाँ होती है। ये कोलाहल कहाँ हो रहा है, ये आवाज़ क्यों आ रही है, बड़ी अप्रिय लग रही है कानों को। तब अधिकारियों ने कहा, महाराज महारानियाँ चंदन घिस रही है आपके ये लेप करने के लिए, चंदन का लेप करने के लिए। कुछ भी हो बंद करो इसको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बंद करो। अधिकारी गए, महारानियों से कहा, आप ऐसा करें कि चंदन तो घिसना है पर और चूड़ियाँ उतार दे, केवल एक चूड़ी ही रखें और सब उतार दे। सब उतार दी, आवाज़ बंद हो गई। महाराज ने कहा, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? कि नहीं महाराज, घिसा जा रहा है तो आवाज़ तो नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। तब अधिकारी बोले, महाराज महारानियों ने बड़ी समझदारी से काम किया है और चूड़ियाँ निकाल दी, केवल एक चूड़ी सुहाग चिन्ह के रूप में रखी है। अब एक है तो आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ तो तब आएगी कि ज़्यादा दो हो, ज़्यादा हो तब। बस ये बात सुनी और दाघज ज्वर बदल गया। कभी कभी ये बुखार दाग आते हैं, रोग आते हैं, वे भी एक नया संबोध लेकर आते हैं। और एकदम बदल गया और बोले, नमी एका की भलो दोय मिला दुख हो। बस अकेला होना अच्छा है, जहाँ दो मिले और वहाँ दुख पैदा हो गया, और जहाँ दुख हुआ और वहाँ मनोबल घट गया। ऐसा लगता है कि दाघर ज्वर भी शांत हो गया। धारणा के साथ साथ इतना मनोबल बढ़ा कि दाघर ज्वर शांत हो गया और नमी राजसी खड़े हो गए और बोले, बस मैं तो अब एकत्व की साधना के लिए जाना चाहता हूँ, ये राज्य को छोड़ रहा हूँ। एकत्व मनोबल को बढ़ाने का इतना बड़ा साधन है कि मैं अकेला हूँ इसकी अनुभूति हमारी प्रबल बन जाए। मनोबल को कोई खंडित नहीं कर सकता। मनोबल को खंडित तब करते हैं कि मैंने दूसरे को मान लिया, धन को अपना माना, धन चला गया, मनोबल भी चला गया साथ साथ में। किसी व्यक्ति को अपना माना, मित्र माना है, उसने धोखा दे दिया, साथ साथ में मनोबल भी चला गया। किसी भवन को माना और किसी ने अधिकार कर लिया, झूठा ही केस कर दिया कोर्ट में कि मकान इसका नहीं मेरा है, मनोबल भी टूट गया साथ साथ। जितने आप संयोग देखें, संबंध देखें और उन पर विचार करें कि जहाँ जो संबंध हुआ है पदार्थ के साथ, संयोग हुआ है, संबंध हुआ है, और वहाँ एक समस्या भी पैदा हुई है। विवाह हुआ और 3 महीना भी नहीं बीता, हमारे पास आया कि अब तलाक की तैयारी कर रहा। कहते अभी तो वह सूखा ही नहीं है, टीका भी नहीं सूखा है, और पहले भी तलाक की तैयारी। आपस में मेल नहीं हो रहा है, मेल नहीं है दोनों का, तो पहले बेमेल का मेल किया ही क्यों। हाँ, बेमेल का मेल किया ही क्यों पहले, ये तो पहले सोचने का होता है। संबंध करते समय जो चिंतन किया जाता है वह यथार्थ का चिंतन नहीं होता, यथार्थ नहीं होता। या तो देखा जाता है कि धन बहुत मिलेगा,
बस बेमेल की कोई परवाह नहीं, चाहे 1-8 का और 1-60 का हो, कोई चिंता की बात नहीं, धन बहुत मिलेगा। या देखते हैं कि रंग रूप कैसा है, भीतर में तो चाहे चूल्हा ही जलता हो, बाहर से चमड़ी अच्छी लग रही हो, भीतर में दावा नली सुलग रहा हो, जब यह सारा संबंधों का एक मानदंड होता है और फिर संबंध टूटते हैं और साथ में कहते हैं हमारा तो मनोबल टूट गया, ऐसी स्थितियां घर में हो गई, मनोबल टूट गया, मनोबल टूटा, तुमने मनोबल को बढ़ाने का रास्ता भी नहीं चुना कि मनोबल कैसे रह सकता है। अगर यह संबंधों की दुनिया है और संबंधों की दुनिया में संबंधों पर सही दृष्टिकोण नहीं होता और संबंधों के साथ हमारा सत्य का योग नहीं होता तो वह मनोबल टूटने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। इस पर हम विचार करें कि मनोबल को बढ़ाना है या है उसको बनाए रखना है तो हमें सत्य की खोज करना जरूरी है। हर आदमी कोई सत्य की खोज नहीं कर सकता, हर आदमी कोई वैज्ञानिक नहीं होता, हर आदमी के पास वैज्ञानिक दृष्टि भी नहीं होती, किंतु जिन सत्य के खोजियों ने सत्य को खोजा और अपने अनुभव हमारे सामने रखे, उनकी अनुभव वाणी का भी हमें जीवन में उपयोग करना है। सुनना किस लिए है, यह कोई रूढ़ी नहीं बननी चाहिए कि बखान सुनना है, प्रवचन सुनना है। सुनना इसलिए कि ऐसी अनुभव की वाणी कोई हमारे सामने आए जिससे हमारे दुख कम हो, अशांति कम हो, तनाव कम हो, समस्याएं सुलझ सकें और हमें कोई नया पथ दर्शन मिल सके। कुछ वाणियां ऐसी होती है एकदम बदल देती, एकदम सारा चिंतन बदल जाता है। अब नमी राजर्षि के सामने एक ही बात आई कि चूड़ी अकेली है, आवाज़ नहीं हो रही है, इस वाणी से भी उन्होंने इतना बड़ा सत्य खोज लिया कि बस दो होना ही दुख है और मैं अब एकत्व की साधना करूँगा। रूस में एक बड़े साधक हुए गुरजीएव, वे एकत्व साधना के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने बड़े प्रयोग किए। वे 5-10 लोगों को एक कमरे में बंद कर देते, 3 महीना तक बाहर नहीं जाने देते और केवल उनकी साधना कि मैं अकेला हूँ बस इसी का अनुभव करो, कोई दूसरा नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब 3 महीने के बाद जब वे बाहर आते, सारी दुनिया बदल जाती है उनकी, इतनी सच्चाई का अनुभव होता कि सारे संबंधों से होने वाले दुख समाप्त हो जाते, मनोबल को बढ़ने का मौका मिलता, मनोबल कभी नहीं टूटता। हम जब झूठी झूठी आदतें, झूठी विचारधाराएं, झूठे कंसेप्ट, झूठी अवधारणाएं पालते हैं तब भीतर ही भीतर में दुख पैदा होता है और वह दुख हमारे मनोबल को कम कर देता है। इसलिए आप चाहें कि मनोबल बढ़े तो मनोबल को बढ़ाने का सबसे बढ़िया साधन है हमारा एकत्व का अनुध्यान, एकत्व की अनुप्रेक्षा। मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है और संवेदन मेरा अकेला है। एक व्यक्ति के पैर में चोट लग गई, कहीं भी चोट लग गई, दूसरे लोग सहानुभूति तो प्रदर्शित कर सकते हैं पर दर्द का अनुभव नहीं कर सकते। दर्द का अनुभव किसको होगा, जिसके चोट लगी है, चाहे 2 भाई हैं, सगे भाई, बड़ा प्रेम है, चाहे मित्र आया, सब कहेगा कि मैं सहानुभूति प्रदर्शित करता हूँ, पत्रों में लिखते हैं सहानुभूति प्रदर्शित करता हूँ, पर संवेदन किसको होगा, दुख का अनुभव किसको होगा, उनको दुख का अनुभव नहीं होता, वे तो बाहर खड़े खड़े एक सहानुभूति प्रदर्शित कर सकते हैं, ये तो होता है।
एक विद्यार्थी के हाथ में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने पट्टी बांधनी शुरू की। चोट लगी थी बाएं हाथ में, और बाएं हाथ में डॉक्टर ने पट्टी बांधनी शुरू की, तो वह बोला, डॉक्टर साहब इस पर मत बांधो पट्टी, इस हाथ पर बांधो। अरे बोला, चोट तो यहाँ लगी है, इस हाथ पर पट्टी क्यों? क्या जब मैं स्कूल में जाऊँगा तो मेरे सब साथी हाथ हिला हिला कर संवेदना प्रकट करेंगे और मेरा दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए आप पट्टी इस हाथ पर बांध। अब दर्द का अनुभव किसको होता है, बाएं हाथ को या दाएं हाथ को? जिस हाथ में चोट लगी है उस हाथ को दर्द का अनुभव होता है, पूरे शरीर को भी नहीं होता, तो भला बाहर के व्यक्ति को उसका अनुभव कैसे हो सकता है? उस संवेदन नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। संवेदन हमारी वैयक्तिकता है, सामुदायिकता, वैयक्तिकता। कुछ चीज़ें हमारी सामुदायिक होती है, धन सामुदायिक हो सकता है, मकान सामुदायिक हो सकता है, और बाहर की चीज़ें सामुदायिक हो सकती है, पर ज्ञान संवेदन ये सामुदायिक नहीं होता, ये नितांत वैयक्तिक होता है। व्यक्ति ही उसका अनुभव करता है, दूसरे को पता नहीं चलता। इसलिए कभी कभी ऐसा सुनते हैं, किसी आदमी के सिर में भारी दर्द है, कोई आके पूछता है कैसा है? अरे कैसा है बताऊं कैसे, मैं भोग रहा हूं, बताऊं कैसे? बताने की चीज़ नहीं, मैं तो भोग रहा हूं, अब बताने से क्या होगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे। ऐसा सचमुच दूसरा समझ भी नहीं पाता। एक व्यक्ति के सिर दर्द है, अब दूसरा व्यक्ति पूछ तो सकता है कि कैसा है, सहानुभूति प्रदर्शित कर सकता है, कभी तुम्हें कष्ट हो रहा है, पर अब दर्द कैसा है इसका अनुभव कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि दर्द पीड़ा अनुभूति अनुभव संवेदन ये सारी वैयक्तिक बातें होती है। अद्भुत नेत्र तुम्हारा, अद्भुत नयन तुम्हारा, बस आपकी आँख अद्भुत है। जिस व्यक्ति की आँख साफ है, अद्भुत है, उसके लिए दुनिया सुखमय है और मनोबल को घटने का कोई मौका नहीं मिलता। जिसकी आँख साफ नहीं है, पग पग पर अटकता है, मनोबल भी अटकता है, टूटता है, और समस्या का समाधान नहीं होता। तो अगर मनोबल को बढ़ाना है तो उसका सबसे बड़ा साधन है सम्यक दर्शन, एकत्व आदि सारी सम्यक दर्शन के अंग बनते हैं। इसलिए हम प्रयत्न करें कि हमारी आँख साफ बने और हमारे सम्यक दर्शन का विकास हो। ओम।